इधर पैकिंग नहीं की तुमने। वैसे अम्मा सही कहती हैं तुम्हारे बारे में, काफी सुस्त हो तुम। जल्दी तो नहीं आएगी अब, और फोन भी नहीं। फोन करूंगा ना जब वक्त मिलेगा तो, और अब जाऊंगा तो आऊंगा ना। तो जानती हूं वाकई वक्त नहीं होता होगा आपके पास। अतन प्लीज यार, बात समझने की कोशिश करो, मजबूरी है मेरी। तुम मुझे कॉल मत करना, सही वक्त देख के मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे और तुम्हारे बारे में सुंबल को कुछ पता चले। क्यों की थी मुझसे शादी? पछता रहे तो बात समझने की कोशिश करो। मेरी कामयाबी, ये नौकरी, ये ठाट बाट, ये सब उस सुंबुल की वजह से। जिस कंपनी में मैं काम करता हूं ना, वो सुंबुल के वालिद की है, और इस नौकरी को मैं छोड़ना नहीं चाहता। जिस मुकाम तक पहुंचने का मैंने बचपन से ख्वाब देखा है, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे सुंबुल और उसके वालिद की जरूरत है। रहने दो, तुम नहीं समझोगी। चलता हूं मैं, मेरे घर वालों को और अपना ख्याल रखना। जोही के जाने के बाद अम्मा बहुत अकेली हो जाएंगी, देख लेना मैं किसी शिकायत का मौका ना मिले। चलता हूं मैं, खुदा हाफिज़।